रोगी जैसी औषधि मांगता है वैद्य वैसी औषधि नहीं देता। अब मीठी औषधि मांगेंगे वैद्य नहीं देगा, वैद्य तो वो औषधि देता है जिसमें आपका हित हो। साधुता का कोई संस्कार शेष था इसे नारद ने एक ही बात कह दी, जिसमें मेरा हित है वैसा कर दीजिए, मैं अपना हित अनहित नहीं जानता, मैं अपने भवतव्य से अपरिचित अनभिज्ञ हूं। जिसमें मेरा हित सिद्ध होता हो, जिसमें मेरा कल्याण है वो कर दीजिए। जी विधि होए नाथ हित मोरा, लेकिन जल्दी कर दीजिए, देर मत करिए, मुझे इस पार लगाओ या उस पार लगाओ, कर दो जल्दी। और भगवान ने ऐसा उनका मुख बना दिया, मरकट का सा, बंदर का सा मुंह बना दिया उनका। उस कन्या के पास गए, वो इधर उधर भटकती रही, नारद बार बार उसके पास जाते हैं, वो बचती है नारद से। और अंततः जब बार बार नारद उसके सामने जाते तो फिर एक घटना घट गई, अचानक ही उसने जयमाला डाल दी, किसी को वरण कर लिया, शहनाई बजने लगी, शंख ध्वनि, पखावज, मृदंग, मंगल गीत। तो नारद को लगा कि इसे तो जयमाला डाल दे, इसे तो वरण कर लिया, वो कौन है जिसका वरण कर लिया, वो कोई और नहीं स्वयं महामाया थी, वो कोई और नहीं लक्ष्मी जी थी, उन्होंने नारायण का ही वरण कर लिया, भगवान ही वहां प्रकट हो गए। स्वयं भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म मकराकृति कुंडल मीनाकृति के कुंडल, नारद ने देखा कि ये है कौन, कुंडल चिरपरिचित से है, मीन आकृति के कुंडल, ये चार हाथ तो केवल नारायण के ही हो सकते हैं, शंख चक्र गदा पद्म सुंदर किरीट, श्री वत्सचिन्ह वक्षस्थल पर भगवान नारायण स्वयं। तो मैं बताना चाह रहा था, गुस्सा आता कब है, क्रोध कब आता है, जब आपको विफलता हाथ लगती है, असफलता हाथ लगती है, अक्षमता हाथ लगती है। आप जब विफल हैं, अक्षम हैं, कार्य जब सिद्ध नहीं होता, जब आपका कार्य सिद्ध नहीं होता, आपके अवगुणों के कारण, अविवेक के कारण, अविचार के कारण, अज्ञान के कारण, अरे गिनते तो जाओ किन कारणों से फेलियर हुए हैं। अब फेल क्यों हो गए ये नहीं सुनेंगे आप, अज्ञान के कारण, अविवेक, अविचार, अवगुण, अक्षमता। आप कहते हैं हम असफल हो गए, तो असफल हुए क्यों, कुछ ऐसी चीजें जहां हम असफल हो जाते हैं, अविवेक के कारण, अविचार, अनभ्यास, अक्षमता, अयोग्यता, अपात्रता। और एक जगह तो लिखा है स्कंद पुराण में, आपको आपकी योग्यता से अधिक भगवान ने दिया है, आप उसके पात्र नहीं है, जितना प्राप्त हुआ है आपको, आपको जो प्राप्त है उसके लिए उतनी पात्रता नहीं है, वैसी योग्यता नहीं है, उतना श्रम नहीं है, ना साधन किया है। और ये युग तो ऐसा आया है, बिना श्रम साधन योग्यता पात्रता के सब कुछ पा लेने की प्रवृत्तियां पैदा हो रही हैं, उनको मिला है, हमें कैसे नहीं मिल सकता, बिना योग्यता पात्रता के, बिना श्रम साधना के, नंबर गेम है, इतने लोग उठे हैं हमारे हाउस में, कोई नंबर्स गेम, फिर योग्यता कहां गई, पात्रता, शील, संयम, सदाचार। लोकतंत्र का मैं बहुत आदर करता हूं, प्रजातांत्रिक मूल्य अत्यंत आदरणीय है, पर उसका एक रूप ये भी तो देखो कि सदन में आपके पास कुछ हिस्से बैठे हैं, अलग अलग हिस्से,
तो बिना श्रम, साधना, योग्यता, पात्रता, सद्गुणों के, हाँ पूर्व के कोई पुण्य होंगे, हम ऐसा मान लेते हैं। फिर और नारद ने श्राप दिया भगवान को कि जिस तरह से मैं रोदन कर रहा हूं, जिस तरह से स्त्री के वियोग में मेरे आंसू नहीं थम रहे हैं, एक दिन आपके आंसू पहुंचने आऊंगा, आपकी स्त्री का हरण होगा और मैं आपको समझाने आऊंगा वनवास काल में। बड़े प्रसन्न हुए विश्वमोहिनी के, मोहिनी के पिता, सबको छोड़ दिया उन्होंने, नारद के चरणों में शीश झुका रहे, ये मेरी पुत्री, स्वयंवर काल है ये। नारद का ध्यान पुत्री पर गया। ज्ञानिनाम अपिचेतान से देवी भगवती हिसा ब्लादा कृष्य मोहाय महामाया प्रिय क्षति विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। विष्णुर्माया भगवती, वो विष्णु की माया, यया सम्मोहितम जगत, वो तो बड़ा विचित्र है, पूरी माया के साथ उतर के आए समुद्र मंथन में, महादेवी मोहित हो गए। अहो रूप महोधामम अस्या नवम वयम, महादेव स्वयं मोहित हो गए हों जिस विष्णु की माया से, विमोहित हो गए। ज्ञानम अपि चेतांसि देवी भगवती हिसा ब्लादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति, ऐसी महामाया विष्णुर माया भगवती, स्वयं भगवान की माया, योग माया सामने है, और उसका रूप देखकर चकित हो गए नारद, उसके लक्षण देखकर, उसके मस्तक की रेखाएं देखी, ये स्वयंभू परिभू नित्य सनातन की स्वामिनी है, ये जिसके जीवन में रहेगी उसे कोई जीत नहीं सकता, वो अजेय होगा, वो स्वयंभू होगा, वो सबका स्वामी होगा, सब उसी के अधीन होंगे, वो कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना का अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। उस मोहिनी के पिता ने मोहिनी का हाथ ही रख दिया नारद के हाथ पर, ये कहकर हमारी बेटी का हाथ तो देख लो। दिखाई भूपते नारद राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब की हृदय विचार, हमारी बेटी का हाथ तो देखो, ये वर्णन करना चाहती है। और सच मानिए, एक काल ऐसा रहा है हमारे यहाँ कि हमारी बेटियां स्वयंवर करती रही हैं, मैं वही युग चाहता हूं कि वो लड़कों को रिजेक्ट करें, लड़के उन्हें रिजेक्ट ना करें, और वो रिजेक्ट करती रही हैं, अमान्य करती रही हैं, मुंह फेरती रही हैं, इधर उधर जाती रही हैं, वो तरसते रहे कि एक बार तो देख ले हमारी ओर ये। और राजाओं को एक बार भी नहीं देखा है उन्होंने, आए होंगे ये अंग बंग कलिंग द्रविड़ मागध से, मगध से, कौशल से, कुरु से, पांचाल से, असम से, होगा कहीं का राजा, देखती नहीं थी उनकी ओर। तो वीर पुरुष चाहिए, अजय पुरुष चाहिए, जितक काम है, जितेंद्रिय नीतिज्ञ धर्मज्ञ, वो माला लिए घूमती रहती थी, कोई ढंका मिला तो पहना दे, और उचक उचक कर देख रहे होते थे कई लोग हमारी ओर देखे। भगवान करे ऐसा युग भारत में फिर लौटे कि हमारी बेटियां माला लेके घूमें और वो ऐसे देखें, नीतिज्ञ धर्मज्ञ श्रेष्ठ जयी पवित्र पुण्यवान।